नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ड्रीम होम पर। तो अगर आपने भी अपना घर बनवाया है और आप चाहते हैं कि लकड़ी ले रहे हैं, तो लकड़ी लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके और मज़बूत लकड़ी मिले और बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी मिले, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें सजेस्ट करूँगा जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी मिलेगी। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ये पहला लाइव वीडियो है, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी कहना चाहूँगा। तो ये कुछ डिटेल्स है, और सारी डिटेल्स अगर मैं बात करूँ तो ये इंटरनेट से टिकी गई हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो हम कुछ बातें देखेंगे जिनकी सहायता से अगर आप लकड़ी खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप लकड़ी खरीदें तो उसके लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है घर का प्लान बनवाना। मतलब कि आप घर का पहले आप एक पूरा प्रॉपर प्लान बनवा दीजिए, उसमें कितने आपको दरवाज़े चाहिए और कितने आपको खिड़कियों की ज़रूरत है वो आप पहले ही तय कर लें। तो जब भी आपका प्लान बनाएगा वो आपको बता देगा कि आपको कितनी लकड़ी की ज़रूरत होगी। तो अगर आपका बजट कम है तो आप खिड़की दरवाजे कम कर सकते हैं और इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी खिड़कियों की ज़रूरत है और कितने दरवाज़ों की ज़रूरत है, और जो भी आपका एक्स्ट्रा दरवाज़ा कुछ भी हो तो वो आप हटा सकते हैं। सेकंड चीज़ अगर हम देखें तो जब भी आप मार्केट में जाएँ उससे पहले आप अपने जो मिस्त्री है उससे ज़रूर लिस्ट बनवा लें कि आपको कितनी लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो वो आपको स्क्वायर फीट निकाल कर दे देगा। तो इसमें आप देखें कि लकड़ी ऐसी लेके आएँ जो ज़्यादा ख़राब ना हो, मतलब कि उसमें वेस्टेज कम निकले, तो ऐसी लकड़ी लाने की कोशिश करें। तो ये आप मार्केट से आसानी से ला सकते हैं। तो जो भी आपका मिस्त्री हो उससे आप पहले पूछ लें कि कितनी लकड़ी की ज़रूरत है, और उससे आपको वो थोड़ी ज़्यादा ही बताएगा क्योंकि कुछ लकड़ी आपकी वेस्ट में निकलती है, तो उस हिसाब से आप लकड़ी खरीदें। तीसरी अगर हम बात करें तो कभी भी आप दुकानदार के चक्कर में ना आए, मतलब जहाँ से आप लकड़ी ले रहे हैं तो अपनी पहले ही चुनाव कर लें कि आपको कौन सी लकड़ी लेनी है। तो ये नहीं हो कि वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपको फर्स्ट ग्रेड की लेनी है या सेकंड ग्रेड की। तो जैसे अगर मैं सजेस्ट करूँ कि आप अगर दरवाजे के लिए लकड़ी लेना चाहेंगे तो दरवाजे के लिए आप सागवान की फर्स्ट ग्रेड की लकड़ी ले सकते हैं, और अंदर की तरफ आपको फ्लश डोर लगाना है बेडरूम में, और जो आप डोर फ्रेम बनवाते हैं तो उसके लिए आप साल या सागवान की सेकंड ग्रेड की लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक ध्यान रखें लकड़ी का कि जो आप लकड़ी ले रहे हैं वो लकड़ी कच्ची ना हो, मतलब आप पक्की लकड़ी लें तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कच्ची लकड़ी से वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके जो मुड़ने के चांस है वो काफ़ी बने रहते हैं, तो जो बेस्ट क्वालिटी है वो आपको पक्की लकड़ी में मिलेंगे। तो आप पक्की लकड़ी लें और जो भी आपको और रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देख लें। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो मार्केट में आप 4-5 दुकानों पर जा सकते हैं, तो वहाँ जाके आसानी से आप पता कर लें कि किस प्राइस में कौन सी लकड़ी मिल रही है, और जो भी आपको प्राइस में कम लगे और वही माल अगर आपको मिल रहा है उसी क्वालिटी का तो आप वहाँ से ख़रीद लें। बाकी अगर आप थोड़े से पैसे के लिए कम क्वालिटी के लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी आप लकड़ी लें तो उसका बिल ज़रूर लें जिसमें आपको GST भी लगेगा, तो कभी भी बिना बिल की लकड़ी ना लें। तो बिल लेने से आपको फ़ायदा ही होगा कि आपकी जो लकड़ी है वो आपको ओरिजिनल मिलेगी, मतलब जैसे आप बिना बिल कुछ भी चीज़ लेते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। तो बिल ज़रूर ख़रीदें। और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो अपने जो काम करने वाला, आपका जो काम करने वाला मतलब आप जिससे काम दे रहे हैं कारीगर है, तो उसे लकड़ी खरीदते टाइम अपने साथ लेके जाएं जिससे कि वो आपको एक बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी और सही क्वालिटी की लकड़ी आपको प्रोवाइड करवा देगा। क्योंकि जैसे आपको अगर पता नहीं है कि कौन सी लकड़ी लेनी है और कौन सी आपके लिए सही रहेगी, तो क्वालिटी और चेक करने के लिए अगर आप किसी को साथ लेके जाते हैं तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो आशा करूँगा ये छोटी सी जानकारी थी जो आपके शायद काम आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको लकड़ी से जुड़े बहुत सारे जैसे कैलकुलेटर है स्क्वायर फीट में लकड़ी कितनी चाहिए ये निकालने के लिए, तो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार हमारी वेबसाइट को ज़रूर देखें। थैंक यू।